गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, पिछली कक्षा में हमने आपको रुधिर के संगठन के ऊपर चर्चा की और आपको रुधिर के संगठन के कुछ बिंदुओं पर आपसे हमने चर्चा की। हमने आपको बताया कि रुधिर जो होता है उसके मुख्य तत्व भाग होते हैं प्लाज्मा और रुधिर कणिका। प्लाज्मा पर हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। आपको बताया कि रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स के नाम से भी आप लोग जानते हैं। हमने आपको आरबीसी पर पिछली कक्षा में बता दिया था कि आरबीसी की संरचना कैसी होती है, उनका निर्माण कहाँ होता है, उनका जीवन काल कितना होता है, उनका क्या कार्य होता है। इन सभी बिंदुओं पर हम आपसे क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। देखिए, आज हम जो आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारी डब्ल्यूबीसी। ठीक है, हमारा अभी दूसरा बिंदु चल रहा है रक्त संगठन का, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लड का। दूसरे बिंदु पर आज हम चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है डब्ल्यूबीसी, जिसे ल्यूकोसाइट या जिसे क्या कहा जाता है, श्वेताणु भी कहा जाता है। आइए देखते हैं, श्वेताणु पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट बायोलॉजी 12th क्लास के लिए हम बात कर रहे हैं, लेसन नंबर 24। नाम बताया मैंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। और आज का जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, WBC एंड इट्स टाइप। ठीक है, WBC का आकार कैसा होता है, WBC किस प्रकार से रुधिर में गति करती है, इनका निर्माण कहाँ होता है, इनका जीवन काल क्या है, WBC कितने प्रकार की होती है। ठीक है, उन सभी प्रकारों पर आज हम आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले बात करते हैं WBC के आकार के बारे में। ठीक है, देखिए आकार किस प्रकार का होता है। WBC का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। ठीक है, WBC इस तरीके से आकार में होती है, गोलाकार स्फेरिकल शेप के अंदर पाई जाती है। WBC का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। और आपको बता दो इसके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक और माइट्रोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, न्यूक्लियस एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन आरबीसी। तो हमने आपको बताया WBC जिसका नाम होता है ल्यूकोसाइट या इसे श्वेताणु भी कहते हैं। आकार मैंने आपको बता दिया, WBC का आकार गोलाकार होता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक युक्त होती है और ये कैसी होती है, रंगहीन होती है, कलरलेस होती है। ठीक है, गोलाकार होती है, गोलाकार केंद्रक युक्त संरचना होती है इसकी, केंद्रक इसके अंदर पाया जाता है। और आपको बता दी ये कैसी संरचना होती है, रंगहीन कलरलेस होती है। तो WBC का आकार गोलाकार होता है, केंद्रक युक्त होती है और कैसी होती है, रंगहीन होती है। आपको बता दूं एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर WBC की संख्या कितनी होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में WBC की जो संख्या होती है वो 7000 प्रति घन mm होती है, 7000 प्रति घन mm होती है, घन मिमी को बोलते हैं mm। ठीक है, तो आपको बता दिया WBC की संख्या कितनी होती है, 7000 प्रति घन mm होती है एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर WBC की संख्या।
तो एक स्वस्थ मनुष्य में डब्ल्यूबीसी की संख्या 7000 प्रति घन एमएम होती है। आप कई बुकों में अगर सेपरेटली अगर पढ़ना चाहें तो मैं आपको बता दूं, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर, ये तो मैंने आपको आरबीएसई के अकॉर्डिंग बताया है, परंतु कई एनसीईआरटी की बुकों में अगर आप पढ़ेंगे तो एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर लाल उदर कणिकाओं की संख्या मनुष्य के अंदर 5000 से लेकर के 7000 प्रति घन एमएम होती है, ठीक है। परंतु महिलाओं के अंदर आपको बता दूं, वोमेन्स के अंदर इनकी संख्या 10000 से लेकर के 12000, ठीक है, 10000 से लेकर के 12000 प्रति घन एमएम होती है। कितनी होती है? 10000 से 12000 प्रति घन एमएम होती है। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या महिलाओं के अंदर 10 से लेकर के 12000 प्रति घन एमएम होती है, ठीक है। आपकी बुक के अनुसार बता दिए कि एक स्वस्थ मानव के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या 7000 प्रति घन एमएम होती है। देखिए, अगर हम बात करें आरबीसी, जिसको आप रक्ताणु बोलते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अगर अनुपात मनुष्य में देखा जाए, यानी कि रक्ताणु और श्वेताणु का अनुपात देखा जाए, तो इनका अनुपात एक स्वस्थ मनुष्य में कितना होता है? 600:1 होता है। अर्थात एक स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी की संख्या 600 होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। तो ये हो गया अनुपात। आपसे पूछा जाए कि ये सवाल कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ चुका है, एक स्वस्थ मनुष्य में श्वेताणु और रक्ताणुओं का अनुपात होता है, श्वेताणु 1:1 में होते हैं, रक्ताणु कितने होते हैं? 600:1 में होते हैं, ठीक है, 600:1, ठीक है। तो इस अनुपात के अंदर क्या है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी किसी मनुष्य के अंदर क्या है? पाई जाती है। इज इट क्लियर? देखिए, अब हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं वो सुनिए। देखिए, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी का निर्माण दो जगह होता है, मोस्टली तो अस्थि मज्जा में ही होता है, ठीक है। कहाँ निर्माण होता है? अस्थि मज्जा के अंदर क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। साथ में लसीका ऊतकों के अंदर भी, लिम्फ लसीका ऊतकों के अंदर भी क्या है? डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? निर्माण होता है। मेजरली तो अस्थि मज्जा में होता है, मुख्य रूप से डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। पर कुछ बुकों में दे रखा है कि भैया डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा और लसीका ऊतकों में होता है। आइए बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के जीवन काल के बारे में, ठीक है। जीवन काल, लाइफ साइकिल के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ डब्ल्यूबीसी? देखिए, डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 4 से लेकर के 5 दिन होता है। 4 से लेकर के 5 दिन डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? जीवन काल होता है। ये लाइफ साइकिल होती है, इसका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। आपको बता दो, डब्ल्यूबीसी का एक महत्वपूर्ण करैक्टर क्या होता है कि ये अमीबीय गति को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अमीबायोसिस मूवमेंट इनके द्वारा किया जाता है। तो अमीबीय गति किस में पाई जाती है? अमीबा जिस प्रकार से गति करता है, इसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी भी क्या है? मानव के रक्त में क्या करती है? मूवमेंट करती है, ठीक है। तो रक्त का ही एक पार्ट है डब्ल्यूबीसी। तो ये मानव के शरीर में अमीबीय गति रूप में क्या करते हैं? गति करते हैं। कौन? डब्ल्यूबीसी। तो हम कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी अमीबीय गति को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, जो कि उनका एक मुख्य क्या होता है? करैक्टर होता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के प्रकार, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के प्रकार या ल्यूकोसाइट। देखिए, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट के नाम से भी इसे जाना जाता है, ल्यूकोसाइट, या इन्हें श्वेताणु भी क्या है? कहा जाता है। देखिए, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं हम कणिका कणिकीय
कणिकीय श्वेताणु और दूसरे कराएंगे अकणिकीय श्वेताणु, अकणिकीय श्वेताणु। कणिकीय श्वेताणु को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, और अकणिक को कहा जाता है ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। देखो नाम से स्पष्ट है ग्रेनुलो का अर्थ होता है, ग्रेनुलो का अर्थ होता है ग्रेनु का, ग्रेनम का अर्थ होता है पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का अर्थ होता है कण, ल्यूकोसाइट का अर्थ होता है श्वेताणु, अर्थात डब्ल्यू बी सी के अंदर छोटे छोटे कण नुमा क्या पाए जाते हैं, ठीक है। अर्थात आपको बता दू डब्ल्यू बी सी का जो कोशिका द्रव होता है, डब्ल्यूबीसी का जो कोशिका द्रव होता है उस कोशिका द्रव के अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, और जहां पर ये छोटे छोटे कण पाए जाते हैं कोशिका द्रव में उन्हें क्या कहा जाता है, इस प्रकार की कणिकाओं को क्या कहा जाता है, कणिकीय डब्ल्यूबीसी या कणिकीय श्वेताणु कहा जाता है। यहाँ पे अकणिकीय में ए का अर्थ होता है नहीं या ए का अर्थ होता है एब्सेंट, ग्रेनु का अर्थ होता है ग्रेनम, ल्यूकोसाइट का अर्थ होता है ल्यूकोसाइट, अर्थात ऐसी श्वेताणु या ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसके अंदर ठीक है छोटे कणों का क्या होता है, अभाव होता है, और छोटे कणों का अभाव कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी के कोशिका द्रव में, अर्थात डब्ल्यूबीसी के कोशिका द्रव में छोटे छोटे कणों का क्या होता है, अभाव होता है, वो कहलाता है अकणिकीय श्वेताणु के नाम से उसे क्या है जाना जाता है। तो मैं बात कर रहा हूं कणिकीय श्वेताणु, कणिकीय श्वेताणु के बारे में हम कहेंगे कि इनके कोशिका द्रव में, किनके कोशिका द्रव में, डब्ल्यूबीसी के कोशिका द्रव में कणिकाएं क्या है पाई जाती हैं, तो इस तरीके से कणिकाएं पाई जाती हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पे केंद्रक जो होता है वो बहुरूपी होता है, मल्टीमॉर्फिक होता है, ठीक है, मल्टीमॉर्फिक का अर्थ होता है बहुत सारे रूप होते हैं, यानी कि अलग अलग कणिका प्रकार की जो श्वेताणु होगी उसमें केंद्रक जो होगा अलग अलग होगा, कहीं पर केंद्रक आपको दो तीन पिंडीय रूप में दिखाई देगा, कहीं पर आपको दो पिंडों के रूप में दिखाई देगा, कहीं पर केंद्रक जो होगा वो दो से लेकर के सात पिंडों के रूप में क्या है दिखाई देगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कणिकीय जो डब्ल्यूबीसी होती है उसमें केंद्रक कैसा होता है, बहुरूपी होता है, केंद्रक कैसा होता है, केंद्रक यहां पर कैसा पाया जाता है, बहुरूपी पाया जाता है। देखो मैं आपको बताऊंगा, जैसे न्यूट्रोफिल्स है उसमें इस तरीके से एक दो तीन चार पांच छह और ये लिख दिया मैं सात, इस तरीके से दो से लेकर के कम से कम दो होंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे सात, यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स के अंदर दो से लेकर के सात क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पिंडीय संरचना के रूप में पाए जाते हैं, और ये केंद्रक आपस में तंतुनुमा संरचना के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तंतुनुमा तंतुमय संरचना के रूप में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इन डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक कैसे होते हैं, बहुरूपी होते हैं, ठीक है, इस कारण इन्हें बहुकेंद्रक रूपी श्वेताणु भी कहा जाता है, बहुकेंद्रक रूपी श्वेताणु कहा जाता है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी इन्हें क्या है कहा जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि डब्ल्यूबीसी में जो केंद्रक होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, परस्पर, केंद्रक के जो ये पिंड हैं ये पिंडीय संरचना के रूप में पाए जाते हैं, और ये पिंडीय संरचनाएं जो होते हैं वो परस्पर एक दूसरे से तंतुनुमा भाग से क्या होते हैं या तंतुमय भाग के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो तंतुनुमा संरचना के रूप में या तंतुमय भाग के द्वारा क्या होते हैं, यहाँ पर ये पिंड जो होते हैं केंद्रक के जो पिंड होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं। ये तो मैंने आपको न्यूट्रोफिल्स में बताया, ठीक है, इयोसिनोफिल के अंदर आपको देखिए इस तरीके से दो पिंडीय संरचना होती है, ठीक है। अगर इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर इस तरीके से तीन पिंडीय संरचना पाई जाती है, किस में पाई जाती है, बेसोफिल्स के अंदर क्या है पाई जाती है। तो केंद्रक जो है वो कई रूपों में क्या है यहाँ पर पाया जाता है, बहुरूपीय संरचना में पाया जाता है।
एकण के रूप में हम आपको पढ़ाएंगे कहीं पर एशियन के ब्रिज के आकार का दिखाई देगा। तो हम उन सभी चीजों पर बाद में बात करेंगे। आप फिलहाल इतना याद रखिए कि कण की एक प्रकार की श्वेताणु होते हैं, उनमें केंद्रक कैसे होते हैं, बहुरूपी होते हैं और ये पिंडीय संरचनाओं के रूप में पाए जाते हैं। ये केंद्रक के जो पिंड होते हैं वो एक दूसरे से परस्पर तंतुमय भाग के द्वारा या तंतुमय संरचना के द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं कण की एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी। कौन से प्रकार की डब्ल्यूबीसी पे बात कर रहे हैं? कण की एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी पर बात कर रहे हैं। अगला हमारा टॉपिक है, एक बार हमें आता रिपीट कर देते हैं बहुत ही शॉर्ट और स्वीटली टाइम में। देखिए डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट या श्वेताणु कहते हैं। इनका आकार गोलाकार, केंद्रकयुक्त और रंगीन होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी की संख्या 7000 घन प्रति एनएम होती है। मनुष्य में 5 से 7000 प्रति घन एनएम होते हैं, महिलाओं में 10 से 12000 प्रति घन एनएम डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। मानव में श्वेताणु और रक्ताणु का जो अनुपात होता है, सॉरी रक्ताणु और श्वेताणु का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा और लसीका ऊतकों के ऊतकों में होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 5 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी के द्वारा जो गति की जाती है वो कौन से प्रकार की होती है? अमीबीय प्रकार की क्या होती है? गति होती है। मैंने बताया डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट के प्रकार। डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट दो प्रकार के होते हैं, कणकीय और अकणकीय। कणकीय प्रकार की जो होते हैं उसमें मैंने बताया कि डब्ल्यूबीसी के कोशिका द्रव में या श्वेताणु के कोशिका द्रव में कणिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? कणकीय। डब्ल्यूबीसी या कणकीय श्वेताणु कहते हैं। और जिसके डब्ल्यूबीसी के कोशिका द्रव में यदि कणकीय संरचनाएं न पाई जाए तो उन्हें क्या कहा जाएगा? अकणकीय श्वेताणु कहा जाता है। मैंने बताया कि इनके अंदर केंद्रक बहुरूपी होता है जो भिन्न भिन्न पिंडों के रूप में पाया जाता है। जैसे मैंने न्यूट्रोफिल्स में बताया 2 से 7 पिंड पाए जाते हैं, ईओसिनोफिल में 2 पिंड पाए जाते हैं, बाइलॉग होते हैं, ये यहाँ पे ट्राइलॉग होते हैं, 2 से लेकर 3 पिंड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर केंद्रक कैसे होते हैं? बहुरूपी होते हैं, पिंडों के रूप में पाए जाते हैं। ये पिंड आपस में तंतुनुमा संरचना के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ये हमने आपको रिपीट कर दिया। एक बार फिर हम आपसे बात कर रहे हैं कणकीय डब्ल्यूबीसी के प्रकार। किसके प्रकार? कणकीय डब्ल्यूबीसी के प्रकार पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। जी देखिए, देखिए टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, कणकीय श्वेताणु के प्रकार। कणकीय श्वेताणु जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कणकीय श्वेताणु सॉरी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के नहीं होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने अभी आपको बताया था न्यूट्रोफिल, दूसरा आपको बताया था ईओसिनोफिल, तीसरा आपको बताया हमने बेसियोफिल। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आई लगा दो, वाई नहीं लगा तो फिल्स। ठीक है, है ना, यहां भी इस तरीके से लिख सकते। तो आपको बता दिया कणकीय डब्ल्यूबीसी 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल्स और बेसियोफिल्स के नाम से इन्हें जाना जाता। आइए सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रियोफिल्स के बारे में। देखिए कुल डब्ल्यूबीसी का 62% भाग न्यूट्रोफिल्स से बना होता है। कुल डब्ल्यूबीसी का, ठीक है, 62% न्यूट्रोफिल्स बना होता है। या हम यूं कह सकते हैं कुल डब्ल्यूबीसी का 62% न्यूट्रोफिल्स क्या है? पाई जाती है। क्या पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स क्या है? पाई जाती है। देखिए न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं ये कणिका में श्वेताणु होते हैं, और ये कणिका में श्वेताणु जो होते हैं, न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो कणिका में श्वेताणु होते हैं, और ये श्वेताणु जो होते हैं वो कोशिका द्रव में, ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म कणों के रूप में क्या है? पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? अत्यंत सूक्ष्म कणों के रूप में क्या है? पाए जाते हैं।
जितना से पाए जाते हैं बहुत ही सूक्ष्म कणों के रूप में क्या है यहां पर इस तरीके से क्या है पाए जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल जो होते हैं ठीक है कोशिका द्रव में कैसे पाए जाते हैं, अत्यंत सूक्ष्म कणों के रूप में पाए जाते हैं। इनमें जो केंद्रक होता है वो 2 से लेकर के 7 पिंड, ठीक है 2 से लेकर के 7 पिंड आप देख लीजिए, 2 से लेकर के 7 पिंड ये संरचना के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें न्यूट्रोफिल्स के अंदर 2 से लेकर के 7 क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं जो पिंडीय संरचना के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि ये केंद्रक के जो पिंड होते हैं वो परस्पर तंतुमय संरचना के द्वारा आपस में क्या होते हैं परस्पर जुड़े हुए होते हैं। क्लियर बात हो गई। आपको बता दो न्यूट्रोफिल जो होते हैं अम्लीय और क्षारीय जो अभिरंजक होते हैं, अम्लीय और क्षारीय अभिरंजक, अम्लीय अभिरंजक के रूप में किसका यूज किया जाता है, ईओसिन का यूज किया जाता है। अम्लीय अभिरंजक के रूप में किसका यूज किया जाता है, ईओसिन का यूज किया जाता है। और क्षारीय अभिरंजक के रूप में एसिडिक स्टेनिंग के रूप में ईओसिन और बेसिडिक स्टेनिंग के रूप में किसका यूज किया जाता है, मेथाइलिन, मेथाइलिन ब्लू का क्या किया जाता है यूज किया जाता है मेथाइलिन ब्लू। अम्लीय अभिरंजक के रूप में ईओसिन, क्षारीय अभिरंजक के रूप में मेथाइलिन ब्लू। ठीक है, तो ये न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो अम्लीय और क्षारीय जो अभिरंजक होते हैं उनसे क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है, या अम्लीय और क्षारीय अभिरंजकों से क्या होते हैं, अभिरंजित होते हैं। ठीक है, और जब ये अम्लीय और क्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित होते हैं तो यहां पर क्या है इनका रंग कैसा हो जाता है, हल्का बैंगनी रंग से क्या हो जाते हैं, अभिरंजित होते हैं। अर्थात न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो हल्के बैंगनी रंग से क्या हो जाते हैं, अभिरंजित हो जाते हैं, लाइट। ठीक है, लाइट पर्पल कलर से क्या हो जाते हैं, स्टेंड हो जाता है। स्टेंड का अर्थ होता है अभिरंजित। तो न्यूट्रोफिल्स आपको मैंने बताया कि जो न्यूट्रोफिल श्वेताणु होते हैं, ठीक है न्यूट्रोफिल जो श्वेताणु होते हैं ये अम्लीय और क्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित होते हैं तथा ये हल्के बैंगनी रंग से क्या हो जाते हैं, अभिरंजित हो जाते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, उदासीन अभिरंजन भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, उदासीन अभिरंजन भी क्या है कहा जाता है। न्यूट्रल स्टेनिंग के नाम से भी इन्हें क्या है जाना जाता है। तो अम्लीय और क्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित होते हैं और अभिरंजित अम्लीय और क्षारीय अभिरंजकों से होते हैं तो इन्हें उदासीन अभिरंजन कहा जाता है। और जब ये अभिरंजित होते हैं तो ये हल्के बैंगनी रंग से क्या हो जाते हैं, अभिरंजित हो जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या काम करते हैं कि मानव के शरीर में, ठीक है मानव के शरीर के अंदर जब किसी भोज्य पदार्थ के सेवन से दूषित जल या दूषित भोजन के सेवन करने पर जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो जीवाणु हमारे शरीर में क्या करते हैं, संक्रमण उत्पन्न कर देते हैं। और संक्रमण उत्पन्न कर देते हैं तो यही न्यूट्रोफिल्स उन जीवाणुओं को क्या करती है, नष्ट करने का कार्य करती है। तो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, न्यूट्रोफिल्स के द्वारा किया जाता है। क्लियर बात। देखिए मैं आपको बात कर रहा हूं, एक टॉपिक है जो कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, कोशिका पारण क्या है। इसको मैं अलग से पढ़ा रहा हूं, ठीक है इंग्लिश में बोलते हैं डाइपीडिस, डाई डी आई ए पी पी डिस डी एस आई एस डाइपीडिस। ठीक है, देखिए कोशिका पारण क्या है, आपको बता दूं ये न्यूट्रोफिल्स की जो कोशिकाएं होती, ठीक है ये कोशिका भित्ति के क्या जा सकती है, सॉरी कोशिका भित्ति के आर पार क्या है जा सकती है, ये कोशिका भित्ति है और इस कोशिका भित्ति के आर पार ये न्यूट्रोफिल की कोशिका इधर जा भी सकती है और इधर आ भी सकती है, उसे क्या कहा जाता है, कोशिका पारण कहा जाता है। कोशिका पारण की डेफिनेशन क्या हुई कि न्यूट्रोफिल कणिकीय श्वेताणु कोशिका की भित्ति के आर पार आ जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, कोशिका पारण कहते हैं।
कोशिका पारण आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं इनके जीवन काल के बारे में। न्यूट्रोफिल्स का जो जीवन काल होता है वो 10 से लेकर के 12 दिन होता है। आरबीएससी की बुक में नहीं है भैया, ध्यान से सुना, न्यूट्रोफिल्स का लाइफ स्पेन कितना होता है? 10 से लेकर के 12 दिन होता है, ठीक है। द लाइफ स्पेन ऑफ न्यूट्रोफिल्स इज 10 to 12 days, इज इट क्लियर? तो न्यूट्रोफिल्स का जीवन काल 10 से 12 दिन होता है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं ईओसिनोफिल्स के बारे में। ये आपको बता दूं, कुल डब्ल्यूबीसी का 2.5% भाग के रूप में पाई जाती है, ठीक है। कुल डब्ल्यूबीसी के कितने परसेंट भाग पाई जाती है? 2.5% के रूप में पाई जाती है, या हम यूं कह सकते हैं कुल डब्ल्यूबीसी का ईओसिनोफिल 2.5% पाई जाती है, ठीक है, या होती है। देखिए कोशिका द्रव में, ये कोशिका द्रव है, देखिए ये डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी है, और डब्ल्यूबीसी का ये क्या है, ये क्या है, यहां पर ये कोशिका द्रव है, और कोशिका द्रव में एक ऐसे आकार के रूप में पाई जाती है, समान आकार के रूप में पाई जाती है, ठीक है, और बड़े बड़े कणों के रूप में पाई जाती है। आकार देखो इन सबका समान है, यहां पे इस तरीके से बना रहा हूं, ये आकार इस तरीके का होता है इनका, इन सभी का आकार कैसा होता है, समान होता है, कैसा होता है, बड़ा होता है। यहां पे इनका आकार कैसा होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता था न्यूट्रोफिल्स का। ईओसिनोफिल्स जो होती हैं, ठीक है, ये कोशिका द्रव में समान आकार की होती है या समान आकार के रूप में पाई जाती है, साथ में इनका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, या हम कह सकते हैं ये बड़े आकार के कणों के रूप में क्या है पाई जाती है, और इन सभी का आकार कैसा होता है, समान। इसने क्या कहा जाता है, ईओसिनोफिल्स कहते हैं। ये ईओसिनोफिल्स जो श्वेताणु होती हैं, ये अम्लीय अभिरंजकों से क्या होती है, अभिरंजित होती है। अम्लीय अभिरंजक मैंने आपको बता दिया कौन सा, ईओसिन से। तो ये ईओसिनोफिल्स जो होती हैं, ठीक है, ईओसिनोफिल श्वेताणु जो होते हैं वो ईओसिन से क्या होते हैं, अभिरंजित होते हैं, ठीक है। ईओसिन से क्या होते हैं, अभिरंजित होते हैं, ये बात ध्यान रखने की बात है। और आपको बता दूं इनके अंदर जो केंद्रक होता है वो दो पिंडों के रूप में पाया जाता है, देखो एक पिंड ये रहा और दूसरा पिंड ये रहा, इसलिए यहाँ पर ईओसिनोफिल में केंद्रक जो होता है वो कैसा होता है, बाइलॉब्ड होता है। कैसा होता है, बाइलॉब्ड होता है, बाई का मतलब दो, लॉब्ड का अर्थ होता है पिंड। तो दो पिंडों के रूप में ईओसिनोफिल के अंदर क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए। इनमें कोशिका पारण और कोशिका भक्षण की क्या है, क्षमता कम पाई जाती है। कोशिका पारण की क्षमता, कोशिका पारण और कोशिका भक्षण की क्षमता क्या पाई जाती है, भक्षण की क्रिया कैसी पाई जाती है, कम पाई जाती है। किनमें, ईओसिनोफिल्स, ईओसिनोफिल में कोशिका पारण और कोशिका भक्षण की क्षमता कैसी पाई जाती है, कम पाई जाती है। देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पर इन ईओसिनोफिल्स का जो जीवन काल होता है वो 14 घंटे होता है। कितना होता है, सबसे कम जो होता है वो इन्हीं का ही होता है। ईओसिनोफिल्स का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 14 घंटे होता है। 14 घंटा जो होता है वो इनका क्या होता है, जीवन काल होता है, ठीक है। तो इनका जीवन काल कितना होता है, 14 घंटा होता है, 14 hours होता है। देखिए जब मानव के शरीर में, ठीक है, किसी परिजीवी का क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। मानव के शरीर में जब किसी परिजीवी का संक्रमण हो जाता है या एलर्जी रोग हो जाता है, परिजीवी का संक्रमण होता है यानी कि कोई जीवाणु का, वायरस का, कवक का, हेलमेंथिज का, ठीक है, इनमें से किसी भी, ठीक है, परिजीवी का या रोगजनक का क्या हो जाए, संक्रमण हो जाए, तो मनुष्य में या तो इन परिजीवी का संक्रमण होने पर या एलर्जी रोग होने पर, परिजीवी का संक्रमण होने पर या एलर्जी रोग होने पर मनुष्य में ईओसिनोफिल की कोशिकाओं की संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है।
इओसिनोफिल की कोशिकाओं की संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। और इओसिनोफिल की कोशिकाओं की संख्या जब अधिक हो जाती है तो इनमें एंटीहिस्टामिनिक गुण उत्पन्न हो जाता है। एंटीहिस्टामिनिक गुण क्या हो जाते हैं, एंटीहिस्टामिनिक लक्षण या गुण क्या हो जाता है इनके अंदर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कब हो जाता है एंटीहिस्टामिनिक गुण, जब मनुष्य में एलर्जी रोग हो जाती है या उनके अंदर परिजीवी संक्रमण हो जाता है। तो इओसिनोफिल की कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप इनमें एंटीहिस्टामिनिक गुण क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए इओसिनोफिल के बाद हम बात करने जा रहे हैं बेसियोफिल के बारे में। देखिए बेसियोफिल जो होते हैं वो कुल डब्ल्यूबीसी का, ठीक है, बेसियोफिल जो होते हैं वो कुल डब्ल्यूबीसी का केवल और केवल 0.5% पाए जाते हैं। मैंने आपको देखो पहले बताया था डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, एक कणिकीय होती है और दूसरी अकणिकीय होती है। और मैंने आपको बताया कणिकीय डब्ल्यूबीसी 65% कुल डब्ल्यूबीसी का, 65% कणिकीय डब्ल्यूबीसी पाई जाती है और कुल डब्ल्यूबीसी का 35% अकणिकीय डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। तो कणिकीय डब्ल्यूबीसी का अगर हिसाब लगाएं तो आप देखिए न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो कितने परसेंट पाए जाते हैं, 62% पाए जाते हैं। इओसिनोफिल्स कितने पाए जाते हैं, 2.5% पाए जाते हैं। और बेसियोफिल कितने पाए जाते हैं, 0.5%। और टोटल इनका हिसाब कितना आना चाहिए, 65%, 5 और 5 10 0.1 2 2 4 और 1 5 और 1 यहाँ पे 6, कुल कितना परसेंट आ गया, 65%। तो बेसियोफिल जो होते हैं वो कुल डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट पाए जाते हैं, 5% पाए जाते हैं। देखिए ये क्षारीय अभिरंजकों से क्या होते हैं, अभिरंजित होते हैं। और क्षारीय अभिरंजक का नाम मैंने आपको बताया मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, ये क्षारीय अभिरंजक मिथाइलिन ब्लू से क्या होते हैं, अभिरंजित होते हैं। और अभिरंजित होने पर ये गहरे नीले रंग से क्या हो जाते हैं, अभिरंजित हो जाते हैं। कैसे रंग से अभिरंजित हो जाते हैं, गहरे नीले रंग से क्या हो जाते हैं, गहरे नीले रंग से क्या हो जाते हैं, अभिरंजित हो जाते हैं। ठीक है, गहरे नीले रंग से क्या हो जाते हैं, अभिरंजित हो जाते हैं। इनका आकार जो होता है मैं आपको बता दूं किस तरीके का होता है, ठीक है, इनका आकार देखिए इस तरीके का होता है, यानी कि इनका कोई निश्चित आकार यानी कि नहीं होता है, ठीक है, कैसा नहीं होता है, निश्चित आकार नहीं होता है, यानी कि इनके इनकी जो कणिकाएं होती हैं डब्ल्यूबीसी के अंदर डब्ल्यूबीसी के कोशिका द्रव में इनका आकार कैसा नहीं होता है, समान नहीं होता है, अर्थात ये कहीं पर छोटे होते हैं तो कहीं पर कैसे आकार के होते हैं, बड़े कणों के रूप में क्या है, पाए जाते हैं। कहीं पर छोटे कणों के रूप में पाए जाते हैं तो कहीं पर कैसे पाए जाते हैं, बड़े कणों के रूप में क्या है, पाए जाते हैं। इनका केंद्रक जो होता है वो दो पिंडीय या कितना पिंडीय होता है, 3 पिंडीय होता है। तो 2 पिंडीय होता है या कितने पिंडीय होता है, 3 पिंडीय होता है, ठीक है, तो इनका केंद्रक 2 या 3 पिंडीय होता है, ठीक है। और इनके द्वारा ये हिस्टामिन और हिपेरिन का इनके द्वारा यानी कि बेसियोफिल सेल जो होती है वो हिस्टामिन और हिपेरिन का क्या करती है, निर्माण करती है या उत्पन्न करती है। हिस्टामिन और हिपेरिन का जो उत्पादन किया जाता है, हिस्टामिन और हिपेरिन का जो निर्माण किया जाता है वो बेसियोफिल सेल्स के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। और आपको बता दो बेसियोफिल सेल्स का जो जीवन काल होता है वो लगभग कितने दिन होता है, 8 से लेकर के 12 दिन होता है, 8 से लेकर के 12 दिन का होता है इनका जीवन काल। एक बार फिर हम आपको कणिकीय प्रकार की डब्ल्यूबीसी बता रहे हैं, कणिकीय प्रकार की डब्ल्यूबीसी 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसियोफिल्स। अब मैं आपको इनको एक प्रकार से तुलनात्मक रूप से पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। आपको बता दूं ये कुल डब्ल्यूबीसी का 62% पाए जाते हैं, कौन, न्यूट्रोफिल्स।
इओसिनोफिल्स कुल डब्ल्यूबीसी का 2.5% पाए जाते हैं, बेसियोफिल जो होते हैं वो कुल डब्ल्यूबीसी का 0.5% पाए जाते हैं। क्लियर। देखिए दूसरा हम इनका अंतर बता रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन हम बात कर रहे हैं। देखिए इनका आकार कैसा होता है, अत्यंत सूक्ष्म कणों के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स का आकार कैसा होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है अर्थात बहुत ही छोटे आकार के रूप में पाए जाते हैं। इओसिनोफिल जो होते हैं इनका आकार कैसा होता है, समान होता है, और इनके कण कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। बेसियोफिल जो होते हैं इनका आकार कैसा होता है, बेसियोफिल का जो आकार होता है वो कहीं पर कैसा होता है, बड़ा होता है, तो कहीं पर छोटा होता है, कहीं पर अत्यंत सूक्ष्म होता है, अर्थात यहां पर इनका आकार जो होता है वो समान नहीं होता है। ये दूसरा हमने कंपैरिजन आपको बता दिया। जीवन काल की बात करें तो इनका जो जीवन काल होता है 10 से 12 घंटे होता है। इओसिनोफिल का जीवन काल 14 घंटे होता है, बेसियोफिल का जीवन काल 8 से 12 दिन होता है, नहीं कि घंटे होता है। देखिए न्यूट्रोफिल जो होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, इनके अंदर ये अम्लीय और क्षारीय, अम्लीय इओसिन अभिरंजक होता है, क्षारीय अभिरंजन के रूप में मिथाइलिन ब्लू का यूज किया जाता है। तो न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो इओसिन और मिथाइलिन ब्लू, अर्थात न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो अम्लीय और क्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित होते हैं, और अभिरंजित होने पर ये हल्के कैसे होते हैं, बैंगनी रंग के, हल्के बैंगनी रंग से क्या हो जाते हैं, अभिरंजित हो जाते हैं, हल्के बैंगनी रंग से अभिरंजित हो जाते हैं, और ये जीवाणुओं को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। इओसिनोफिल जो होते हैं वो अम्लीय, अम्लीय अभिरंजक जिसका नाम है इओसिन से क्या होते हैं, ये अभिरंजित होते हैं, और ये गहरे लाल रंग, गहरे लाल, डार्क रेड या गुलाबी, डार्क रेड या गुलाबी पिंक कलर से क्या हो जाते हैं, अभिरंजित हो जाते हैं, गहरे लाल या गुलाबी रंग से क्या हो जाते हैं, अभिरंजित हो जाते हैं, ठीक है। और ये आपको बता दूं क्षारीय अभिरंजकों से क्या होते हैं, अभिरंजित होते हैं, और ये कैसे हो जाते हैं, गहरे नीले रंग से क्या हो जाते हैं, अभिरंजित हो जाते हैं। इनके अंदर केंद्रक जो होते हैं वो 2 से लेकर 7 पिंडीय संरचना के रूप में क्या है, पाए जाते हैं, और ये केंद्रक परस्पर तंतुमय संरचना के द्वारा आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, या परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इओसिनोफिल में केंद्रक जो होते हैं वो द्विपिंडीय होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं। बेसियोफिल्स के अंदर केंद्रक जो होते हैं वो कितने पिंडीय रूप में पाए जाते हैं, 2 से लेकर 3 पिंडीय संरचनाओं के रूप में क्या है, पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोशिका पारण की क्षमता अधिक होती है, यहाँ पे कोशिका पारण और कोशिका भक्षण की क्षमता क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और आपको यहां पे बता दो इओसिनोफिल और बेसियोफिल्स में थोड़ा सा अंतर है कि जब परजीवी का संक्रमण हो जाता है या एलर्जी रोग हो जाता है तो इओसिनोफिल की कोशिकाओं की संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, जिससे एंटी हिस्टामिनिक लक्षण या गुण जो होते हैं वो मनुष्य में क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए बेसियोफिल्स में मैंने आपको बताया कि बेसियोफिल की जो कोशिकाएं होते हैं इनके द्वारा हिस्टामिन और हिपेरिन, हिस्टामिन और हिपेरिन का क्या होता है, उत्पादन होता है। हिस्टामिन और हिपेरिन का जो उत्पादन होता है या निर्माण होता है वो बेसियोफिल सेल्स के द्वारा ही होता है। इसी के साथ डब्ल्यूबीसी हमारी क्या हुई, कंप्लीट हुई, ठीक है। यदि डब्ल्यूबीसी से संबंधित आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमने केवल कणकीय डब्ल्यूबीसी पर आपसे क्या है, चर्चा की, ठीक है, कणकीय डब्ल्यूबीसी पर आपसे चर्चा की है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको अकणकीय डब्ल्यूबीसी के प्रकार पढ़ाएंगे, अकणकीय डब्ल्यूबीसी किस प्रकार की होती है, और हम आपको बताएंगे कि सबसे अंतिम रुधिर का जो संगठन होता है जिसे प्लेटलेट्स या जिसे थ्रोम्बोसाइट या जिसे पट्टी कणों के नाम से भी जाना जाता है, तो ये अंतिम क्लास में हम रुधिर के संगठन को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना एंड बी थिंक, बी पॉजिटिव एंड बी सेफ एट योर होम। थैंक यू वेरी मच।